करते हैं आपसे एक ऐसी एसपी की जिन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ ऐसा कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। 9 बैच की आईपीएस अधिकारी हरप्रीत कौर 26 जून 1980 को पंजाब के बरनाला जिले के छोटे से गांव अलकड़ा में जन्मी है। आईपीएस हरप्रीत कौर के पिता जोगिंदर सिंह एक टीचर हैं और माता जसमील कौर एक गृहिणी हैं। हरप्रीत कौर को उनके पिता बचपन से ही पुलिस अफसर की वर्दी में देखना चाहते थे दोस्तों, तो इसीलिए हरप्रीत का भी ये सपना बन गया था। बचपन में दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था उड़ान, उसमें महिला आईपीएस के किरदार से प्रभावित होकर वर्दी पहनने का जो उन्हें ख्याल आया उसे हकीकत में बदल कर ही उन्होंने सांस ली। हरप्रीत ने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव अलकड़ा के सरकारी प्राइमरी स्कूल से की। इसके बाद प्लस 2 करने के लिए वो मॉडल स्कूल चंडीगढ़ आई। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से सन 2000 में बीकॉम और सीए की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और बन गई आईपीएस ऑफिसर। हरप्रीत कौर ने 2005 में शुरू की थी अपनी यूपीएससी की तैयारी, लेकिन हरप्रीत बचपन से ही सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी। ये जुनून उन पर हावी भी था, इसीलिए उन्हें पूरा करने के लिए अपने इस सपने को, इस जुनून को पूरा करने के लिए हरप्रीत ने 2005 में यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिखाया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 143 थी। वे ट्रेनिंग में पहुंची और उन्होंने बिहार कैडर को चुन लिया। पहली पोस्टिंग उनकी बिहार के भभुआ जिले में बतौर एसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुई थी। हस्बैंड भी उनके एक पुलिस ऑफिसर ही हैं। हरप्रीत कौर की शादी बिहार कैडर के ही आईपीएस अधिकारी मानवजीत सिंह ढिल्लो से हुई है। आपको बता दूं मैं ये बात कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही वो दोनों साथ में थे। मानवजीत सिंह ढिल्लो और हरप्रीत कौर ने वर्ष 2011 के अक्टूबर माह में शादी कर ली थी। कुछ ऐसा खास किया था हरप्रीत ने कि वे काफी चर्चा में आ गई थी। क्या था वो खास? बिहार कैडर मिलने के बाद अपनी शुरुआती ट्रेनिंग के बाद एसपी हरप्रीत कौर जहानाबाद में बतौर एसपी के पद पर करीब 1 साल तक तैनात रही थी। इस दौरान लेवी के 27.5 लाख रुपए के साथ महिला नक्सली और बेगूसराय में 15 माह के कार्यकाल के दौरान मूर्ति तस्करों की गिरफ्तारी के बाद वो बेहद चर्चा में आ गई थी। प्रियंका चोपड़ा के रियल लाइफ की प्रेरणा है रियल लाइफ आईपीएस हरप्रीत। प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल में एसपी आभा माथुर की भूमिका निभाने वाली प्रियंका चोपड़ा का लुक और उनकी हेयर स्टाइल हरप्रीत कौर से मिलती जुलती है, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो। और नहीं देखी तो आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई ये सच है। तो ये थी कहानी आईपीएस ऑफिसर हरप्रीत कौर की, जिन्होंने जो चाहा वो कर दिखाया। और साथ में गांव था 2 किलोमीटर जहां मेरे फादर टीचर थे, लेकिन जो साथ वाला गांव का स्कूल था वहां लड़के पढ़ने जाती थी, टाउन एरिया का स्कूल था वहां लड़कियां पढ़ने जाती थी। तो लेकिन मेरे फादर मुझे अपने स्कूल में ले गए, तो मेरा एडमिशन करवाना था वहीं पे लड़कियों वाले स्कूल में जो टाउन एरिया में था 4 किलोमीटर दूर। लेकिन वहां की टीचर्स बोली कि आप यहाँ पे तो लड़की, मैं फर्स्ट आती थी अपने क्लास में, हम फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक फर्स्ट आई। उसके बाद जब मैं सिक्स में गई तो उन्होंने बोला कि लड़की आपके होशियार हो, तो अपने स्कूल में इसको एडमिशन करवा दीजिए यहाँ पे, और साथ में गाँव में स्कूल था 10th तक। तो वही मेरा एडमिशन हो गया, मैं अकेली लड़की, बाकी सब लड़के गाँव के और बाकी लड़कियां दूसरे गाँव में टाउन में जाती थी। तो मैं तो मेरे फादर के पास बाइक था, तो मैं बाइक पर उनके साथ, लेकिन सभी को छुट्टी भी होती, तो मैं अकेली साइकिल पे, लड़के बाकी जाते थे और मैं अकेली साइकिल पे होती थी उनके साथ, सभी लड़कों के साथ। 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता होता था, इतना बड़ा बड़ा रेत था उसमें जो बालू बोलते हैं रास्ते में पूरे, और साइकिल चलाने बड़ी दिक्कत होती थी, 2.5 किलोमीटर दूर था वो गाँव। तो मेरे ब्रदर जो थे वो मोहाली में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो हमारे उनका घर है, तो उन्होंने फिर पापा ने बोला कि अब 10th तक ही है, नहीं तो हॉस्टल में डालना पड़ेगा, फिर चंडीगढ़ ही एडमिशन करवा देते हैं। तो फिर मैं मोहाली आई, मोहाली अब एक छोटे से गांव की लड़की, मोहाली चंडीगढ़ इतना एडवांस सिटी। तो मैं आपको पहला इंसिडेंट भी बताती हूँ, मैं खड़ी हो जाती हूँ, खड़े होकर ठीक लगता, मैं बताती हूँ कि मैं
35 मॉडल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ मेरा एडमिशन हुआ कॉमर्स में। तो कॉमर्स भी मुझे पता नहीं था कि कॉमर्स क्या है, ऐसे आया उसमें नंबर तो मैंने ले लिया। तो फिर क्या हुआ कि पहला दिन था हमारी प्रेयर का, जो प्रेयर होती है ना मॉर्निंग में, पहला दिन था तो सभी लड़कियां यूनिफॉर्म में स्कर्ट और टॉप पहन के आती थी, तो मैं सूट पहन के चली गई। तो मुझे पता नहीं था, तो सारे बच्चे खड़े हैं, प्रेयर हो रहा है और सारे बच्चे यूनिफॉर्म में, मैं अकेली सूट में खड़ी हुई हूँ। तो मुझे टीचर ने बुला लिया बाहर कि आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा मैडम मुझे पता नहीं था कि यूनिफॉर्म कौन सी है, मैंने झूठ बोला कि मैंने सिलने के लिए दी हुआ है तो कल आ जाएगी। तो दैट वाज सच अ ऑड मोमेंट फॉर मी, आई वाज टेकन आउट फ्रॉम द प्रेयर क्लास। और मैं ऐसा भी हुआ, मतलब एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि किस तरीके में, कहने का मतलब मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था, वहां कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे थे, सभी इंग्लिश स्पीकिंग थे, मुझे तो कुछ इंग्लिश आता नहीं था, पंजाबी मीडियम की लड़की 12th 11th में वहां डाला। तो फिर क्या हुआ कि मैं 11th में दो ही लड़कियां थी जो पंजाबी मीडियम से थी हमारी कॉमर्स की क्लास में, एक थर्ड से आती थी एक मैं थी, तो वो तो 11th में फेल हो गई बेचारी। I passed this 11th class with 72% marks without any coaching, without any coaching. That I got in first day when I entered my commerce class, I was not able to write accounts. I was not knowing the spelling of accounts, business study, economics. मुझे मैं पंजाबी में लिखा उसको, इंग्लिश में लिखना नहीं आता था। जो टीचर बोल के जाते थे हवा से ऊपर से निकल जाता था कि क्या इंग्लिश में बोल के जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता था। एक मैडम थी आजाद हुई, उनको मैं हमेशा आइडियल मानती हूँ, वो बेचारी आधी हिंदी में बोलती थी आधी इंग्लिश में बोलती, उनको वो मेरे को अच्छी लगती थी कि आधा आधा बोलती कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन टीचर सभी ये बोलते थे कि अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 90% देते हैं तो हमको खुशी होती है बिना ट्यूशन को। तो ये बात मैंने वो कर लिया था कि मैं ट्यूशन नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो, डिक्शनरी ले लिया, डिक्शनरी पी गई मैं, मेरी डिक्शनरी आज भी सवाल फट गए उसके पेजेस, इतना मैंने डिक्शनरी को देखा। बट विद इन 2 months आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ा के जाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।